खरगोन जिले के नवागत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला अस्पताल का पहला दौरा किया। दोपहर 12 बजे अस्पताल पहुंचे, निरीक्षण की शुरुआत सोनोग्राफी कक्ष से की। यहां सोनोग्राफी व्यवस्था पर चर्चा कर बाहर लगी भीड़ देखकर मरीजों से चर्चा की। चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के अंदर मेडिकल वार्ड, आईसीयू, मैटरनिटी, सिटी स्कैन आदि वार्डों का एवं साफ सफाई का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर अस्पताल व्यवस्थाओं पर संतुष्ट नजर आए, लेकिन साफ सफाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने सिविल सर्जन CMHO को दीवारों के रंग रोगन और नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। पैथोलॉजी में सैंपल लेने और रिपोर्ट देने की प्रक्रिया में भी समय प्रबंधन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेडिकल हड्डी वार्ड, मेडिकल वार्ड में वहां उपस्थित मरीजों एवं उनके परिजनों से सहज रूप से की। उन्होंने पूछा कि समय पर उपचार मिल रहा, दवाइयां या जांचों के रुपए तो नहीं ले रहे हैं। मरीज अस्पताल व्यवस्थाओं पर संतुष्ट जताया। डायलिसिस वार्ड में मरीजों ने मशीनों के बार बार खराब होने पर आ रही समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मशीन बढ़ाने एवं रखरखाव व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। सब सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, सरकारी व्यवस्था सब फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता है। लगे तो बताओ हमको, कोई लगता है पैसा किसी को? जो नफर मांगी। अरे अच्छी हो जाएगी, डॉक्टर है ना, यहाँ सभी प्रकार की जांच हो जाती है, बाहर से निकल कितनी देर पड़ता है भाई, ऐसा नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, खुद ही बड़ी महंगी वाली जांच करते नहीं, बोले कौन करेगा या तो बाहर से कराइएगा। और ये आपके डॉक्टर अस्पताल के लोग हैं ना, वही बाहर के बोलते जाए बाहर से करा लो, बोले ऐसा सत्य हो रहा है। अपने अपने ऐसा होती है, अपने यहाँ बाहर से तो नहीं लिखते कोई। डॉक्टर तुम जो बाहर से जा सकते हैं, ये चेक करना। हाँ जी, चेक करिएगा ना। ये पूरा सफाई ऐसे करो, हाँ, आज मैंने जिला स्थल का निरीक्षण किया है और महिला वार्ड और जिला स्थल पूरा दिखा है। इसको देख करके व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक ठाक हैं, इसमें कुछ कमी होगी तो हम लोग देख रहे हैं और वो दुरुस्त किया जाए। वो सब चीज़ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकता है देख करके, और उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।